नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच उत्तर प्रदेश की जौनपुर लोकसभा सीट इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। जानकारी दे दें कि जौनपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं बाहुबली धनंजय सिंह, जो इन दिनों जेल में कैद हैं। तकरीबन 7 साल की सजा सुनाई गई है धनंजय सिंह को, और धनंजय सिंह के जेल चले जाने के बाद अब उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी मैदान में उतर आई है। राजनीति में उनकी एंट्री हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी ने अब टिकट दिया है श्रीकला रेड्डी को, और ऐसे में जौनपुर के अलग अलग क्षेत्रों का वह दौरा भी कर रही हैं। इस बीच देखा जा रहा है कि श्रीकला रेड्डी डंके की चोट पर अपनी बात रख रही हैं, और साथ ही साथ देखा जा रहा है कि वह जीत का दावा भी कर रही हैं। अब देखना यही होगा कि श्रीकला रेड्डी क्या वाकई में जीत हासिल कर पाएंगी या नहीं। लेकिन इस बीच ये भी देखा जा रहा है कि श्रीकला रेड्डी को लेकर तमाम खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं श्रीकला रेड्डी भी कई राज खोलती हुई नजर आ रही हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताने जा रही हैं श्रीकला रेड्डी आखिरकार कितने करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें कि श्रीकला रेड्डी जो अब चुनावी मैदान में उतर आई हैं, श्रीकला रेड्डी के पति अपहरण और रंगदारी के मामले में इन दिनों जेल में कैद है। 7 साल की उन्हें सजा सुनाई गई है, और ऐसे में धनंजय सिंह के जेल चले जाने के बाद श्रीकला पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि वह जौनपुर लोकसभा सीट से जीत हासिल करे। मालूम हो कि वह इन दिनों जौनपुर जिला पंचायत की सदस्य है और अपने क्षेत्र में काफी एक्टिव रहती है। तेलंगाना बड़े व्यवसायी परिवार से ये ताल्लुक रखती हैं। इनके पिता जितेंद्र रेड्डी भी एक विधायक रह चुके हैं, वहीं इनकी जो मां है वो गांव की सरपंच रह चुकी हैं। आपको जानकारी दे दें कि श्रीकला रेड्डी और इनके जो पति हैं धनंजय सिंह ने साल 2017 में पेरिस में शानदार तरीके से शादी रचाई। अगर बात की जाए इनकी संपत्ति के बारे में, तो अपनी पति से संपत्ति के मामले में ये कुछ कम नहीं है। चुनावी हलफनामे में खुलासा किया श्रीकला रेड्डी ने अपनी संपत्ति का, आपको जानकारी दे दें। वहीं दूसरी ही धनंजय सिंह के हलफनामे के बारे में, इनके हलफनामे के मुताबिक सामने आया कि श्रीकला रेड्डी के पास तकरीबन 6 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। वहीं इसके साथ 780 करोड़ रुपए की ये अचल संपत्ति की मालकिन कही जाती हैं। इनके पास जो है 1,74,00,000 रुपए के सोने के और हीरे के जेवर भी हैं। रिपोर्ट्स की माने तो धनंजय सिंह पहले जेडीयू से जौनपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी से गठबंधन के बाद ऐसा नहीं हो सका, जिसके बाद वह सपा के संपर्क में रहे, और जिस दिन उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया उसके अगले दिन ही कोर्ट से 7 साल की सजा मिल गई। अब देखा जा रहा है कि श्रीकला रेड्डी मैदान में हैं, और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने उन्हें टिकट दिया है। ऐसे में श्रीकला रेड्डी न सिर्फ मायावती और वहीं उनके जो भतीजे हैं आकाश आनंद, उन्हें भी धन्यवाद कहती हुई नजर आई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस सीट से वह प्रचंड जीत हासिल कर पाती है या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।